तो दिस विवेक, और आज है तकरीबन 3-4 तारीख में भी आज जो मैंने पिछले मतलब मैं हमेशा बताता हूँ मैं अपना रोस्ट वाला वीडियो कैसे शूट करता हूँ एग्जैक्टली नहीं कुछ ये रूम का हालत है और यहाँ पे कुछ लाइटिंग मतलब कुछ ज़्यादा ही लाइटिंग है, यहाँ पे एक ही लाइट लगा हुआ है बट लाइटिंग कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। सर मैं दिखाता हूँ एग्जैक्टली है क्या, ये ट्राइपॉड है जो कि मैं लगाता नहीं हूँ, मैं जो भी व्लॉग करने वाला हूँ मैं दिखाने वाला हूँ कैसे मैं शूट करता हूँ, इसलिए मैं ये लगाया हूँ यहाँ पे। और जो यहाँ पे ये जो कबाड़ दिख रहा है, इस कबाड़ में मतलब इसमें मैं शूट करता हूँ एग्जैक्टली ऐसे कुछ। ये कैमरा मतलब फ़ोन से मैं शूट ही करता हूँ, फ़ोन से मैं एडिटिंग वगैरह सब कुछ इसी करने वाला हूँ, कुछ ऐसे सेट करता हूँ। ओके देन इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। अरे देखो कुछ ऐसा दिखता है इसमें। ओके और देन फिर ये वाला जो है छोटा सा लाइट, क्योंकि एक साइड है ना, इधर आधा लाइट होता है मतलब अंधेरा रहता है, इधर लाइट रहता है क्योंकि इधर एक साइड लाइट है, तो इसको क्या करता हूँ मैं इसको प्लग इन करता हूँ, देन ये वाला लाइट जलता है ताकि कुछ ऐसा वाला रिएक्शन आता है, ठीक है। और जब ये बंद होता है तब कुछ ऐसा रहता है, देखो अंधेरा है ना एक साइड से, तो इसलिए मैं इसको लगाता हूँ ताकि ये थोड़ा सा इधर से लाइट आ जाए। और बस यही कुछ, यहाँ पे इसमें लैपटॉप रखा हुआ है अभी, और एक एक शूट को जो मैंने 3 तारीख को एक शूट कर लिया है, और आज एक शूट कर रहा है जो कि अभी मैं आज एक शूट कर रहा हूँ ताकि उस सेकंड वीडियो का, क्योंकि उसको एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं सोचा कि ना अभी थोड़ा शांति है, भैया है नहीं तो मैं शूट कर लेता हूँ। सो बस मैं उस दिन शूट कर रहा, उस दिन ये जो मामा अर्थ का मेरा नहीं है प्रशांत का है, वो फेस वॉश यहाँ पर रखा हुआ ताकि थोड़ा सा दिखे, और पीछे कुछ है नहीं जो मैं पीछे कुछ दिखाऊँ, तो पीछे तो ये बेड रखा हुआ है और ये गिटार रख दिया ताकि थोड़ा शो ऑफ के लिए मतलब थोड़ा पीछे थोड़ा अच्छा अच्छा सा दिखे, दैट्स वाई मैं वहाँ पर वो रख के रखा हूँ। और बहुत तेज हो रहा है। बस यहाँ पे है भगवान का पूजा होते रहता है, देन यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है और इसमें कुछ चावल वगैरह है, और इसमें अपना शू रखा हुआ है, इसमें जितना भी है पूरा का पूरा इसमें शू रखा हुआ है, तकरीबन 2 शू मेरा है, प्रशांत का 2-3 शू है, उसका भैया का भी 2 शू है, पापा उप्पा मम्मी उम्मी सबका शू उसी में रखा हुआ है। सो बस इतना ही लाइटिंग वगैरह जो मैं आपको दिखाने वाला था, बस इतना लाइटिंग है और जो है ऐसे ही शूट करता हूँ। आपको मेरा जो सेकंड चैनल का उसको मेरे को जितने मेरे वीडियो में जाएगा, प्रीवियस जितने सारे वीडियो में जाएगा, सारे के सारे वीडियो में मेरे सेकंड बियोस्टार चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कैसा लगता नहीं लगता, आप अपना ओपिनियन उसमें जरूर दे रहा जो कैसा लगता है नहीं लगता है वीडियो। सो या और अभी आपको थोड़ा बाहर का साउंड आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कीर्तन वगैरह चल रहा है और इलेक्शन वगैरह, तो यहाँ पे 10 तारीख से इलेक्शन है, तो शायद उसका भी ब्लॉग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी घर में कुछ वही सब लेके मतलब काम वाम चल रहा है, और हाँ मतलब अभी थोड़ा जो आपको मतलब क्या क्या कहते हैं माइकिंग वगैरह का साउंड आ रहा, तो वही इलेक्शन वगैरह का माइकिंग वगैरह का साउंड आ रहा है। सो अभी बस मैं तो जिम छोड़ चुका हूँ, तो ये महाराजा अभी जिम से आया हुआ, तो अलग ही सीन है इन लोगों का भी, तो ठीक है और अभी इंजॉय करो मतलब मैं कैसे शूट करता हूँ। सो देखो ये वाला ओके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे मैं शूट करता हूँ एग्जैक्टली। ये चेयर तो भाई हमारे पास, हम गेमिंग हमारे पास सेटअप है नहीं, तो जो हम गेमिंग चेयर हमारे पास होगा, बट जो भी है चलता है इसी से, ये बहुत काफी है ये। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, जो अपना वीडियो है क्लिप जो रहता हूँ, मैं अपने क्लिप को सारे पार्ट वाइज में करके रख लेता हूँ ताकि मेरे को पता रहे किस सिक्वेंस मतलब किस पार्ट पे मेरे को क्या चीज बोलना है। स्क्रिप्टिंग में लिख के रखता था, इस कॉपी में लिख के रखता था स्क्रिप्ट, बट इस बार स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा है, इस बार जो दिल में आ रहा है वीडियो देख रहा हूँ उसके बाद लाइव जो एक्सप्रेशन देना है उसका, क्योंकि हमारा मतलब रोस्ट बोलने लायक है बट वो एक्जैक्टली एक्सप्रेशन टाइप का चैनल जो कि ट्रिगर्ड इंसान एक्जैक्टली जो करते हैं, समझ रहे हो ना। सो यही समझना आप तो बिना ज्यादा वक्त में एक्चुअली शुरू करते हैं। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारा वीडियो आने वाला कुछ ये। भैया असली में बताऊं,
इन जैसों के लिए हमारा देश बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे, मतलब इतने आगे जाएगा ना, मतलब भाई सब एडिटिंग देख रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की एडिटिंग भाई, जो शक्तिमान लगता है मेरे वजह से शक्तिमान ना, ओके, और शक्तिमान का फ्यूचर में शक्तिमान या एंड शक्तिमान देन जो सेकंड पार्ट में कुछ ऐसा कुछ करने वाला भाई साहब, देखने से पहले ऑडियंस आ जाए, लिटरली ऑडियंस आ जाए, मैं खुद आ जाऊंगा गाइस, क्या है ना कभी कभी जो आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब लाइनअप में बोलना क्या रहता है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग रहता है ना, स्क्रिप्टिंग आधा आधा मैं पार्ट पर तोड़ तोड़ के बोलता हूँ, बट अगर आपको जब खुद से बोलना पड़ता है ना, मतलब खुद से सोच सोच के बोलना पड़ता है, तो कुछ माइंड में दोहराना पड़ता है, क्योंकि सारा मीम्स मैं भर के रखता दिमाग में, सारा मीम्स मैं पहले देख लेता हूँ, देन फिर जो होता है आपके सामने रहता है, मतलब सारा आउटपुट। सो अब मेरे को जहां तक लगता है ना, सारे जो मोस्टली यूट्यूबर्स जो होते हैं जो कि शूट करते हैं, तो शायद वो भी पार्ट पार्ट में अंदर ऐसा डिवाइड करके रखते हैं, ताकि उनको थोड़ा सुविधा हो, मतलब तो उसको स्क्रिप्टिंग आराम से लिखा जा सकता है, उसके बाद उसको पुट करके उस लाइनअप के बाद उसको मिला के उसका एडिटिंग करके उसके बाद पोस्ट करके उसको आप लोग देख सकते हो। सो इतना ही कुछ मेहनत रहता है, मतलब कुछ कम भी नहीं रहता है, समझ रहे हो ना। एनी वे सुन सबको कि 8:30 बजने गए, और जब जब जैसे जैसे 9:30 बजे तक मैं शूट भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसका सोने का टाइम हो जाएगा, मैं आपको एडिटिंग करने की कोशिश करूंगा। गाइस मुझे आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग ब्लॉग चैनल को सपोर्ट क्यों नहीं करते हो, क्या क्या गलती किया है मेरे से उसमें, मतलब क्या गलत कर रहा हूँ बताओ, मेरे को बताओ मैं क्या करूँ, क्या करूँ, मैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, लिटरली मेरे को समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सपोर्ट तभी मैं सुनते पाता हूँ, छोड़ते इधर मैं अभी फोकस कर देता हूँ, तो भाई साहब ये बढ़िया था भाई साहब, ये दिन देखने से पहले दीपक कलर मर क्यों नहीं जाता है। गाइस मैं आपको बताऊं, मतलब मेरे को जो रोस्ट करने का जो भी मेरे को कचरा वगैरह मिलता कहां से, मैं इंस्टाग्राम रील्स जब चलाता हूँ ना, मतलब आपको भर भर के मिल जाएगा वहां पे, और सबसे बड़े वाले दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ ये वाला देखो, ये वाला देखो, इन सबको मैं रोस्ट ना करूं तो क्या करूं बताऊं, इन सब के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं ना, मतलब रोज क्या इन लोगों को, मतलब मैं ट्रोल ना करूं तो पता मैं किस टॉपिक में ट्रोल करूं, मतलब इन मतलब मेरे को ना फोर्स, मतलब क्या मेरा बॉडी अट्रैक्ट होता है उनके तरफ, मतलब मेरे को रोज कहीं, दैट्स व्हाई मैं उसको तरफ पकड़ना पड़ता है, नहीं तो मेरे को कोई शौक नहीं है मैंने इन लोगों का पकड़ने वाला कुछ भी, तो मैं भाई सो छोड़ते हैं, मतलब वो तो ठीक है, बस अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, हाँ मतलब देख रहे हो, मतलब इतनी तेजस्वी लोग है, इन्हीं के वजह से हमारा चैनल तो चल रहा है, अगर ये ना हो तो कहां से चलेंगे हमारे चैनल, तो इन जैसे बंदों को हैट्स ऑफ, मुझे चाहिए ऐसे बंदे, चाहिए मेरे को ऐसे ऐसे बंदे, अगर आपको भी ऐसे ऐसे बंदे मिल जाए, अगर आपको चाहते हो अगर ऐसे ऐसे को रोस्ट करवाना, तो मेरा इंस्टाग्राम नीचे मिल जाएगा, तब तक भेज सकते हो, तो एनीवेज चलते दूसरे टॉपिक की तरफ, क्योंकि कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब लिमिटलेस। भैया जी ये वीडियो देखने के बाद ना मेरे को कुछ अपने दिमाग में कुछ मतलब वो थिंकिंग याद है, जब मैं क्लास 6 में हुआ करता था, और मैं भी कुछ ऐसी तरह मतलब खड़े होकर मतलब कुछ फ्लटिंग गाने गा रहा था, और वो भी पता है कौन सा गाने था, वो भी था भोजपुरी गाना, और सोच सकते हो भोजपुरी किस लेवल का गाना होता है, तो मेरे को मतलब मैं तब क्लास 6 में था, मैं थोड़ा पिद्दू सा बच्चा था, कुछ इतना छोटा सा पिद्दू सा बच्चा था, और मेरे को कुछ पता नहीं रहता था मतलब क्या बोलना है, मतलब किस जगह पर, मतलब अचानक से मैं बैठा हुआ था ब्रेंच में, मैम आई, मैम बोली कि गाना गाओ, क्या करता हूँ, तीनों सेंट सा बच्चा था, मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा था, तो खरा हुआ देन कर दिए जो भी करना था। गाइस वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पे पॉज कर देता हूँ, देन फिर से कंटिन्यू कर लेंगे, और फिर किसी दिन आपको फिर किसी रोस्ट वीडियो के साथ आपको फिर से मिलेंगे, तो एनी वेज वीडियो आपको यहाँ पे पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, गुड मॉर्निंग, बाय।